भले ही उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन संघ के एजेंडे के हिसाब से कद छोटा नहीं है। यही वजह भी है कि बीजेपी संगठन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उत्तराखंड पर खास फोकस कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा भी इसी तरफ इशारा करता दिख रहा है। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में चल रही संघ की हिंदू आचार्य सभा की बैठक में शिरकत कर रहे साधु संतों और संघ प्रमुख मोहन भागवत से शिष्टाचार मुलाकात करने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी साधु संतों का आशीर्वाद लिया और संघ प्रमुख से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री से मोहन भागवत की मुलाकात संघ के गंभीर एजेंडे को बयां कर रही है। हालांकि इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन बैठक से बाहर निकलकर मीडिया से ही मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। यहाँ पर सारे आचार्य लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, तो उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आया, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया था। एक सिंपल सामान्य जिसको कहते हैं एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए मैं यहाँ पर आया। कोई नाराजी नहीं थी, आप लोग गफलत मत फैलाइए, एकदम हमारा बहुत अच्छा उनसे मिलना जुलना है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनका भी हमको पूरा आशीर्वाद। बहरहाल भागवत की हरिद्वार यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भागवत की संतों के साथ बैठक में राम मंदिर पर कोई निर्णायक बातचीत हो सकती है। उनकी यात्रा को बीजेपी की केंद्र सरकार के मिशन 2019 की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, हरिद्वार।